हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है। एंड कैसे हो आप लोग? मैं बड़ा ही अच्छा हूँ एज आई यूजुअली से। एंड बिफोर वी इवन स्टार्ट, मैं हाथ जोड़ के आपको वापस थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे लोग, जब मैंने शुरुआत की थी, मुझे लगा नहीं था कि हमारा सफ़र यार मेरे साथ इतने लोग जुड़ेंगे। एंड आजकल इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। सो आज, तो बिफोर वी आई बिगिन ऑल्सो, मुझे आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड लुकिंग एंड वॉचिंग एंड गिविंग मी अपने पूरे दिन का 10 मिनट, 15 मिनट, जो कुछ भी मैं बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे, अगर आप मुझे 10 मिनट भी देख रहे हो, वो 10 मिनट में भी ना आपका कुछ थोड़ा थोड़ा सा तो आप प्रोग्रेस करो, हाफ अ स्टेप आगे हो लाइफ में, एंड कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा करो। बिकॉज आई यूजली एवरी डे आई ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज आई कैन। एंड उसमें से ही एक बहुत ही बड़ी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दिन में जितना हो सके, जितना हो सके, एटलीस्ट हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर आप फिजिकल वर्कआउट कीजिए। नाउ फिजिकल वर्कआउट के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ कि फिजिकल वर्कआउट का इम्पोर्टेंस मेरे लाइफ में कितना रहा है। मैंने ज़िंदगी में अपने फिजिकल वर्कआउट की कौन सी उम्र से चालू की थी, क्या क्या मैंने किया है। मेरा मेरा एक फेज़ था जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया। अभी भी जो वेट है वो इट इज़ नॉट गुड, आई एम स्टिल लूजिंग वेट। एंड बिफोर मैं वीडियो चालू करने से पहले, ये जो वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, ये चालू करने से पहले मेरा एक वेट था। एंड मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गया था खुद को लेके कि मैं शूट ही नहीं कर पा रहा था। एंड सो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूँगा। सो बिफोर आई बिगिन, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन, मेंशन इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव, एंड लेट्स बिगिन। सो बेसिकली मेरा जो फिजिकल वर्कआउट का जो हैबिट है मेरे अंदर, वो मेरे आई वुड से कि नशे की तरह है, कि मुझे वो चीज़ चाहिए चाहिए। इट्स लाइक माई कॉफ़ी, की अगर मैं दिन में 1 घंटा वर्कआउट ना करूँ तो मुझे, मेरा दिन बराबर नहीं जाता है। एंड ये हैबिट मैं आई वुड से कि जब मैं छोटा था, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में, तो मेरे एक गुरुजी थे रवि सर, एंड उन्होंने मेरे अंदर पोटेंशियल देखा था टू दैट आई कैन बिकम एन एथलीट। एंड स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा मेडल जीतता था। सो एवरी डे इन द मॉर्निंग 1 घंटा जाके वहाँ पे भागना होता ही होता था। एंड मेरी स्कूल जो थी वो काफ़ी फोकस थी पढ़ाई में भी, एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। एंड आई वॉज अ स्पोर्ट्स कैप्टन इन माई स्कूल ऑल्सो, एंड आई वॉज वेरी हैवीली इन्वॉल्व इन टू स्पोर्ट्स। एंड मैं खो खो खेलता था, क्रिकेट खेलता था, आई वॉज विनिंग मेडल फॉर माई स्कूल। तो एक काफ़ी हद तक एक काफ़ी फिट लाइफ स्टाइल रही है मेरे स्कूल से ही। एंड बिकॉज आई वॉज यंग, मैं फिजिकल वर्कआउट काफ़ी करता था, तो मेरे अंदर ना फिजिकल स्ट्रेन सहने की ना ताकत बहुत यंग टाइम पे बन गई थी। उसके बाद मेरा सफ़र चालू हो गया कि मैं डांसिंग में घुस गया, एंड आई वॉज ट्रेनिंग एंड आई वॉज लर्निंग। मैं बहुत बड़े बड़े कोरियोग्राफर से सीखा हूँ, एंड मैंने इंडिया के बाहर जाके भी परफॉर्म किया है। सो वो जो एक लाइफ स्पैन था, सॉरी जो लाइफ स्पैन नहीं बोलते, वो जो एक मेरी लाइफ थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। मेरे बॉडी गॉट बहुत ही श्रम लेके, बहुत ही खून पसीना डाल के मेरी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग बन गई थी तभी। उसके बाद एक्टिंग करना चालू किया, एक्टिंग के साथ साथ माइम, डांसिंग, एक्शन, एमएमए। सो मेरी बॉडी हैज़ ऑलवेज बीन इन अ हाई ऑफ आई वुड से कि फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता था। एंड उसकी जो आदत पड़ गई मुझे, वो काफ़ी आई वुड से कि उसको मैं छोड़ नहीं पाया कभी। एंड फिजिकल वर्कआउट्स करते 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 अभी जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन में 1 घंटा मैं देता ही देता हूँ, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे एमएमए हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे स्विमिंग हो। एंड मेरे लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस मैं बोल सकता हूँ, या स्ट्रेस की वजह से, कि मैं बहुत ही रॉन्ग संगत में या रॉन्ग हैबिट्स में पड़ गया था, जिसके वजह से मेरा बॉडी का वेट, मेरा ईटिंग हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा हेवार हो गया था, और मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया। तो मेरे लाइफ के ना दो पहलू है, कि जब मैं वर्कआउट करता था एंड आई वॉज मेंटेनिंग अ हेल्दी हैबिट, सॉरी हेल्दी लाइफ स्टाइल,
मेरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छे थे, आई वॉज मेडिटेटिंग, मेरे लाइफ को देखने का नज़रिया पॉजिटिव था, मुझे लाइफ में कुछ करने का जो जिस्ट था, जो जेस्ट था, वो काफ़ी अच्छा था. आई वुड कीप थिंकिंग, आई वॉज लिटल वेरी क्रिएटिव इन दैट सिनेरियो. देन वेन वॉट एवर फॉर वॉट एवर रीजन्स मैंने वेट ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पुट ऑन किया. आई सॉ अ ट्रेजेक्टरी इन माई लाइफ कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन गया था. मैं लाइफ को एज अ ब्लेसिंग नहीं, एज अ आई वुड से एज अ मैंने कुछ गुनाह किया इसलिए मेरी लाइफ ऐसी है वो मान रहा था. माई बॉडी वॉज नॉट यू नो गिविंग सपोर्टिंग मी. क्रिएटिव तो दूर दूर तक की बात, मुझे बेड से उठने का मन नहीं करता था बिकॉज मेरी बॉडी में वो हार्मोन्स आई वुड से या वो गुड फील हार्मोन्स जनरेटिंग नहीं होते थे. एंड आई वॉज गेटिंग लेजी, आई वॉज गेटिंग पर्कड अप, एंड उस वही स्ट्रेस में ज़्यादा खाता था मैं, एंड आई वुड पुट ऑन मोर वेट. सो अब मैंने लाइफ के ना दोनों पहलू देखे हैं. मैं इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि यू नो जब लाइफ व्हेन यू आर हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मेरी लाइफ क्या थी व्हेन आई वाज हैविंग अ वेरी बैड हेल्थ, तभी मेरी लाइफ क्या थी. एंड अभी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ फ्रॉम अ अनहेल्दी लाइफस्टाइल टू बैक टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो उसका प्रोग्रेशन क्या है वो भी मैं आगे वाली वीडियो में बताना चाहूँगा. मुझे लग रहा है कि मुझे इसके ऊपर वीडियोज़ बनाना चाहिए. सो इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो राइट नाउ. मैं यही बात करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में 1 घंटा, प्लीज़ गाइज 1 घंटा अपने लिए दीजिए. ट्राई वॉकिंग, ट्राई अगर आप भाग नहीं सकते हो तो वॉक कीजिए. अगर आपके पास वॉकिंग ट्रैक नहीं है तो घर घर में यू नो 30, 35, 40, 50, 60 ये कर लीजिए, स्क्वाट्स कर लीजिए, पुशअप कर लीजिए. एंड ट्रस्ट मी, अब जितना ज़्यादा बॉडी से पसीना जाएगा उतना ज़्यादा आप यू नो आप अच्छा फील करना चाहोगे. एंड प्लीज़ ट्राई टू, अगर आप चालू करते भी आज से तो फॉर 21 डेज, जस्ट 21 डेज, ट्राई टू स्टिक टू द रूटीन कि आपको वर्कआउट करना है. एंड आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सकेगा अगर आप सुबह जाके वर्कआउट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है. बिकॉज व्हेन आई यूज टू बी एन एथलीट, मैं सुबह बहुत जल्दी जाता था एंड वहाँ पे जल्दी पहुँचने के लिए मैं बहुत जल्दी उठता था. अराउंड 4 o'clock, 5 o'clock मैं ट्रेन पकड़ता था, मैं बस पकड़ता था. वाह, वो भी टाइम थे. एंड वो जाके आई यूज टू ट्रेन, तो आसपास के जो क्या कहता हूँ मैं, एयर थी वो इतनी ज़्यादा प्योर, इतनी ज़्यादा अच्छी थी, मुझे आई वुड बी एनर्जाइज द होल डे. वो आई यूश टू हैव रियली गुड ऑक्सीजन सप्लाई आई वुड से. एंड सुबह सुबह गाड़ियाँ होती नहीं थी तो पॉल्यूशन था नहीं तभी. सो वो एक हैबिट आई वुड सजेस्ट कि एवरी सिंगल पर्सन शुड ट्राई एंड डू इट. एंड जैसे ही आप ये करेंगे यू विल सी अ डिफरेंट यू विल हैव अ डिफरेंट फीलिंग. अगर आप है हु इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन, इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ हैविंग अ नेगेटिव माइंड सेट, जो मेरा भी था, इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ यू नो स्ट्रगलिंग टू गेट हिज और हर लाइफ बैक, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ को यू नो एक ट्रैक पे लेके आने के लिए, अगर आप वो हो, अगर आप वो इंसान हो जो ज़िंदगी से ना थोड़ा बहुत हार चुका है, मैं आपको एक ही सजेस्ट करूँगा कि एवरीथिंग, इसका सबका उपाय आपके दिमाग होता है, आपका दिमाग होता है, आपका दिमाग होता है, आपका दिल होता है. एंड दिमाग और दिल चालू करने से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकते हैं. एंड उसकी की मैं बोल सकता हूँ, उसका की जो है इट इज़ हैविंग एटलीस्ट 30-41 आवर ऑफ रियली स्ट्रॉन्ग वर्कआउट. अगर आप अपने बॉडी को अभी यूज़ नहीं करोगे ना, तो वो बोलते हैं ना कि यार जंग लग जाता है, तो आपकी बॉडी को जंग लग जाएगा. उसके बाद जब आप करना चालू करोगे ना, देखिए आई हैव गॉन थ्रू दिस स्टफ. एक टाइम पे मैं अगर पैर मारता था मेरे सर पे लगता था, आई यूश टू हैव यू नो एकदम स्ट्रेट किक, और अभी इतना सा भी नहीं होता है. वाई? बिकॉज मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया. एंड ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे भी दर्द होता है बिकॉज वो मकाम तक पहुँचने के लिए जो मैंने मेहनत की थी वो सब पानी में चली गई. बट नो इश्यूज, मैं वापस उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी. सो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपकी एक बॉडी है, इफ यू आर यंग, अगर आप यू नो 15, 16, 17, 18 हैं, अगर आप कॉलेज में हो, प्लीज़ गाइज प्लीज़ टेक योर बॉडी सीरियसली, ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल. आप जितना अपने खुद का ख्याल रखोगे उतनी बॉडी आपका ख्याल रखेगी एंड आपका माइंड फ्रेश रहेगा. एंड एक और चीज़ बिफोर आई गो, आई वुड ट्राई टू से कि स्टार्ट फ्रॉम टुडे. अगर आप एंड तक रुके हो,
स्टार्ट फ्रॉम टुडे, अगर छोटा छोटे छोटे से चालू कीजिए, स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग, देन वॉक जॉगिंग, देन जॉगिंग, देन स्प्रिंटिंग, जस्ट स्टार्ट। एंड एक बार आपको वो पसंद आएगा ना, आप खुद म खुद आप बोलोगे नहीं यार मुझे वर्कआउट करना है, मुझे पिलाटेस करना है, मुझे किक बॉक्सिंग करनी है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द बेल आइकन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। बाय।